तालिबान की आपसी गुटबाजी पर यह बड़ी खबर है। मुल्ला बरादर के साइडलाइन होने की वजह से तकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। गफ्फारी साहब, मैं आप ही के पास आऊंगा, आपके मुल्क का तालिबान के साथ क्या कनेक्शन है, पहले यह छोड़ दीजिए, आज तो बात आप तालिबान के अंदर के सोर्सेस के हवाले से बताइए हमें कि एक तो दो खबरें आ रही, मुल्ला बरादर गायब है, यह बड़ी मिस्ट्री बन गई है कि वो जिंदा है या मर गया। दूसरी थ्योरी यह है कि मुल्ला बरादर और हक्कानी नेटवर्क में ठन गई है, जिसकी वजह से गृह युद्ध जैसे, सिविल वॉर जैसे हालात पैदा हो रहे हैं अफगानिस्तान में। आपके पास क्या खबर है समीर अब्बास? आप अपनी ख्वाहिशात को खबर कैसे बना देते हैं? ये आपकी ख्वाहिश है ना कि इस तरह का हो जाए? आपकी तो यही ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान में भी इमरान खान हुकूमत नहीं कर पाएंगे, 6 महीने मुश्किल से गुजारेंगे, साल तो गुजारे। गफ्फारी साहब, इसीलिए शुरू में ही मैंने कह दिया था ख्वाहिशों को परे रख दीजिए, आज तो जानकारी की बात कीजिए ना, आप पत्रकार हैं और तालिबान के आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं आपको? थोड़ी देर के लिए आप भी ख्वाहिश को परे रख दीजिएगा ना, थोड़ी देर के लिए आप भी खबरों पे आ जाए ना, आप भी तो ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं ना। नहीं, हम तो सिर्फ खालिस खबरों पर बात कर रहे हैं आज। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, मैं भी यही समझ रहा हूँ, बिल्कुल आप यही कह रहे हैं। आपकी खबर पहले दिन क्या थी कि तालिबान तो 75,000 है और 3.5 लाख है, कब कुछ भी नहीं हो सकता, ये आपकी ख्वाहिश थी, खबर नहीं थी। दूसरी बात आपकी खबर थी पंजशेर को तो कुछ हो ही नहीं सकता, पंजशेर तो तालिबान के कब्जे में आ ही नहीं सकता, ये आपकी दूसरी ख्वाहिश थी, खबर नहीं थी। क्योंकि जो खबर है वो तो दरअसल ये हुआ कि तालिबान भी इस वक्त उसके कब्जे में, पंजशेर भी उसके कब्जे में, और अमरुल्ला साले की वो प्रॉपर्टी जो वो छुपा के रखी हुई थी बेचारा, जिसके लिए लड़ रहा था, वो भी तालिबान के कब्जे में आ गई। नंबर 4, अब आप कह रहे हैं कि अब तो इनका आपसी ताल्लुक खत्म हो जाएगा, ये लड़ पड़ेंगे, ये भी आपकी ख्वाहिश है। इन तीनों चारों बातों के अंदर खबर तो एक भी नहीं है, खबर वो होती है जो हो दरअसल और उसके बाद वो नजर भी आए। आपकी सारी की सारी ख्वाहिशात होती जरूर है, लेकिन नजरिया हो गया आपका ना। मैंने तो आपसे खबर पर आपकी नजर जानने की कोशिश की, आपने नजरिया पेश कर दिया। मुल्ला बरादर कहाँ है, 13-14 दिनों से दिखा क्यों नहीं? रियली बता रहा, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। क्या आप इससे भाग सकते हैं कि तालिबान हुकूमत नहीं बना पाए? क्या आप इससे भाग सकते हैं तालिबान ने 40 अफ़्वाल की वो नहीं भगाया, अमरीका को नहीं भगाया? क्या आप कह रहे थे 31 अगस्त से पहले नहीं जाएंगे? मैं तो समझ रहा था कि तालिबान में आपके सोर्स बड़े तगड़े हैं, लेकिन रवि जानकारी लग रहा है इनके पास भी पहुंची नहीं। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।